हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हमें पेज नंबर 162 निकालना है। चलो उस पर देखते हैं। चैप्टर 14, स्मार्ट चार्ट्स। हाउ मेनी अवर्स ऑल ऑफ्स एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन टीवी और लिसनिंग टू द रेडियो। सबको स्टूडेंट्स टीवी देखना और रेडियो सुनना पसंद होता है। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हो, देखो यहाँ बच्चे, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन दिस, तो आप कितना टाइम है वो स्पेंड करते हो। या देखो, नॉट द टाइम यू स्पेंड इन फ्रंट ऑफ टीवी और रेडियो एवरी डे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, नॉट करना है कि आप एवरी डे कितना टाइम स्पेंड करते हो टीवी देखने में और रेडियो सुनने में। मानो कि हम एक दिन में वन आवर टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, तो डू दिस फॉर वन वीक, द टाइम स्पेंड इन अ वीक इज ब्लैंक आवर्स। तो कितने आवर्स होते हैं स्टूडेंट्स वन वीक में। मानो कि आप रोज का वन आवर टीवी देखते हो, तो वन वीक का कितना होगा। पहले तो आपको पता है कि वन वीक में कितने डेज होते हैं, कितने होते हैं सेवन। तो मानो कि हम वन आवर देखते हैं, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, सेवन आवर। मानो कि टू आवर्स देखते हैं तो एवरी डे तो 14 आवर्स। ओके, सो इन अ मंथली यू स्पेंड अबाउट 30। मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 या 31 भी होते हैं। ओके, तो 31 × 1, मानो कि 1 आवर देखते हैं हम, 2 आवर देखते हैं, तो यहां कितने आते, 31 × 30, या 2 आवर देखते तो 60 आवर आते। लेकिन मानो कि आप 1 आवर देखते हैं, तो यहां कितना आता, 30 आवर्स। फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड द टाइम दे स्पेंड इन अ वीक। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपके जो फ्रेंड है वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं वीक में वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं टीवी देखने में और रेडियो सुनने में। चलो, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है, उनका मैंने फाइंड आउट किया है और यहां लिखा है। तो मैंने यहां एक टेबल बनाया है, हाउ मेनी आवर्स दे वॉच टीवी और लिसनिंग टू द रेडियो इन अ वीक। पूरे वीक का मैंने यहां लिखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और मेरे इतने कितने फ्रेंड है ये भी मैंने यहां लिखा है। चलो देखते हैं, मोर देन 6 आवर, 6 आवर से ज्यादा कितने चिल्ड्रन देखते हैं, 8। 6 आवर से ज्यादा वन वीक में, हाँ चलो 6 आवर देखते हैं, 9 स्टूडेंट। 5 आवर देखते हैं, 11 स्टूडेंट्स। 4 आवर्स देखते हैं, 13 स्टूडेंट्स। 4 आवर कितने, 13 स्टूडेंट्स। 3 आवर, 10 स्टूडेंट्स। 2 आवर, 7 स्टूडेंट्स। 1 आवर, 4 स्टूडेंट्स। और 0 आवर यानी कि डू नॉट वॉच, टीवी देखते ही नहीं है, ऐसे वन चाइल्ड है ऐसा। ओके, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं हम।
अब कुछ यहां ब्लैंक्स दी है फ्रॉम योर टेबल, आपने जो टेबल बनाया अभी उस हिसाब से आपको यहां लिखना है ब्लैंक्स में, वॉचिंग टीवी या लिसनिंग टू द रेडियो। ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 6 आवर इन अ वीक, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 6 आवर से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टीवी देखने में या रेडियो सुनने में। ओके, कितने लिखा है मैंने आगे आपको देखो तो यहां 6 आवर से ज्यादा पहला था तो कितना आया 8। ओके, तो पहली ब्लैंक्स में आएगा 8। नेक्स्ट, ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड नो टाइम एट ऑल, कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जो टीवी देखते ही नहीं है तो कितने लिखाए थे कि 0 आवर टीवी कितने देखते हैं स्टूडेंट्स, टीवी नहीं देखते या रेडियो नहीं सुनते कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, तो मैंने लास्ट में आपको लिखा था देखो 0 आवर, 0 आवर में देखो स्टूडेंट्स कितने लिखाए है 1, तो दूसरी ब्लैंक्स में क्या आएगा 1। नेक्स्ट, मोस्ट चिल्ड्रन स्पेंड ब्लैंक आवर इन अ वीक, सबसे ज्यादा बच्चे कितने टाइम देखते हैं टीवी, सबसे ज्यादा देखो यहां पहले तो यहां टेबल में चिल्ड्रन लिखा है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे किसमें हैं, किसमें हैं आपको दिखाई दे रहे हैं 10, 30, 11 यहां देख रहे हो तो 13। चलो 13 में क्या है स्टूडेंट्स, 13 में 4 आवर, तो यहां आपको लिख देना है 4, FOUR, क्या लिखना है FOUR। नेक्स्ट, ब्लैंक चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 आवर से ज्यादा टीवी या रेडियो सुनते हैं, चलो देखते हैं तो कहां ये 3 आवर ये रहा, तो 3 आवर से ज्यादा में ये 3 आवर में 10 है, चलो उसके ऊपर का जो है स्टूडेंट्स उनका हमें एडिशन करना है, चलो 13 फिर प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8। ओके, चलो कितना होगा देखो यार 10, 20 उसके बाद 1 प्लस 9 यानी 10, तो 30 और 8 प्लस 3 11 तो 41, कितना आया 41। तो लास्ट में लिखो स्टूडेंट्स 41 चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 3 आवर्स। ओके, चलो नेक्स्ट, विच प्रोग्राम, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम ऑन टीवी और रेडियो सच अस कार्टून, न्यूज, स्पॉट, म्यूजिक, प्लेस, सीरियल, होते ना स्टूडेंट्स के टीवी पे या रेडियो पे अलग अलग टाइप्स के क्या आते हैं प्रोग्राम आते, जैसे कि न्यूज आता है, कार्टून, स्पॉट होते, म्यूजिक, सीरियल आते ना। चलो, और हमारे घर में जो मेंबर होते हैं उनको क्या होता है अलग अलग टाइप्स के जो प्रोग्राम होते हैं वो पसंद आते हैं, जैसे कि जूही फादर लाइक वॉचिंग सीरियल, जूही के जो पापा है उनको वॉचिंग सीरियल पसंद है, लाइक करते हैं वो सीरियल को पसंद करते हैं, और मदर लाइक स्पॉट, उसकी मदर को स्पॉट पसंद है, जूही लाइक न्यूज प्रोग्राम, जूही को क्या पसंद है न्यूज देखना अच्छा लगता है। चलो वन में, आस्क पीपल इन योर फैमिली टू नेम वन प्रोग्राम दे लाइक एंड वन प्रोग्राम दे डिसलाइक, मेक अ टेबल। तो स्टूडेंट्स यहां हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमारे जो फैमिली मेंबर है उनको यहां हमें लिख देना है कि हमारी फैमिली में कौन कौन रहता है, और यहां प्रोग्राम दे लाइक
उनको कौन से प्रोग्राम पसंद है ये लिखना है, और प्रोग्राम दे डिसलाइक उनको कौन सा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता ये यहां लिखना है। ओके, तो यहां देखो लिखा है मदर पहले तो, और फादर लिखा हुआ है। तो मदर को सीरियल में लाइक, मैंने यहां लिखा है अपनी फैमिली का, मदर तो सीरियल लाइक, न्यूज डिसलाइक लिखा है मैंने। आप कुछ अलग तरह से भी चार्ट बना सकते हो, लेकिन नीचे जो ब्लैंक से उसमें फिर आंसर अलग आएगा। ओके, मदर में सीरियल लाइक और न्यूज डिसलाइक, फिर फादर न्यूज लाइक सीरियल डिसलाइक। आगे लिखा है मैंने एडलर ब्रदर, आप ब्रदर भी लिख सकते हो, ब्रदर तो फील लाइक और न्यूज डिसलाइक। नेक्स्ट है यंगर सिस्टर, तो उसे कार्टून पसंद है, कार्टून लाइक न्यूज डिसलाइक। फ्रीड है ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर में है रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है जो होते ही ना वो कथाएं होती है, सत्संग होते हैं, कुछ इस तरह की चैनल्स आती है ना, तो उसपे वो आता है ना धार्मिक वाला सब, वो रिलीजी रिलीजियस, और फिल्म को वो डिसलाइक करते हैं। फिर ग्रैंड मदर, उसमें भी रिलीजियस उनको पसंद है और फिल्म डिसलाइक करते हैं। चलो नेक्स्ट है अंकल, तो मेरे अंकल को स्पोर्ट्स पसंद है और सीरियल डिसलाइक करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर लाइक, चलो कैसा कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो फैमिली में ज्यादा पसंद है, तो हमें जो लाइक वाला है इसमें देखना है। चलो यहां देखते हैं, सीरियल एक बार, न्यूज एक बार है, फिल्म एक बार है, स्पॉट एक बार है, कार्टून एक बार है, लेकिन रिलीजियस ऐसा प्रोग्राम है जो मेरे ग्रैंडफादर और मदर दोनों को पसंद है, तो पहले ब्लैंक्स में आएगा रिलीजियस। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ प्रोग्राम मोस्ट फैमिली मेंबर डिसलाइक, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसे मेरे फैमिली मेंबर डिसलाइक करते हैं सबसे ज्यादा। चलो देखते हैं, इसमें सीरियल टू टाइम है, ओके, देखो फिल्म भी टू टाइम है, लेकिन न्यूज देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 टाइम है, तो यहां क्या आएगा न्यूज। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।